सरयू नदी। त्रेता युग में सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक विशाल जन समुदाय था। उस विशाल समुदाय में अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। अयोध्या नगरी 48 कोस लंबी और 12 कोस चौड़ी थी। चारों तरफ हरे भरे पत्तों से लदे सुंदर सुंदर वृक्ष थे। मंद मंद वायु से तरंगित सुंदर सुंदर झील थे। ऊंची ऊंची रंग बिरंगी इमारतें, घरों की दीवारें बहुत सुंदर थी। छतों पर उड़ते सुंदर पताके, देवालय, मनोहर उद्यान, मनलुभावन कारीगरी, आलिशान राजदरबार, कहीं हाथी कहीं घोड़ों का झुंड। अयोध्या में चारों तरफ सुख और शांति विराजमान थी। इस अयोध्या के राजा थे वीर, पराक्रमी और धार्मिक वेद ज्ञाता यजो राजा के पुत्र तेजस्वी राजा दशरथ। अयोध्या में चारों तरफ सुख और शांति विराजमान थी, परंतु राजा दशरथ चिंतित थे, क्योंकि राजा को कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अतः एक दिन राजा ने निर्णय लिया, वे शांति के लिए मृग बन जाएंगे। महाराज, आपने हमें क्यों याद किया है? आप युद्ध करने जा रहे हैं महाराज? नहीं, युद्ध क्षेत्र नहीं कौशल्या। तो फिर महाराज? तुम लोग मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें बताने में मुझे कोई संकोच नहीं। इस राज्य में सुख है, शांति है, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा क्यों महाराज? अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन है कौशल्या? महाराज, हमें कोई संतान नहीं है सुमित्रा। आप क्या हमें छोड़ने की सोच रहे हैं महाराज? ऐसी बात नहीं है सुमित्रा, ऐसा सोचना भी पाप है। मुझे शांति चाहिए। कुछ समय के लिए मैं मृगवन जाना चाहता हूँ। मृगवन? नहीं के कई, इस बार मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। इस बार मैं अकेला जाना चाहता हूँ। वहाँ के शांत वातावरण में मेरा मन भी शांत रहेगा। कुलगुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लेकर मैं कल ही मृगवन जाऊंगा। अच्छी बात है। ठीक है महाराज, हम सब अपेक्षा करेंगे महाराज। और दूसरे दिन सुबह गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ मृगवन के लिए निकल पड़े। राजा दशरथ शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। बहुत देर भटकने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आया। अचानक आवाज सुनकर राजा सहम गए। हिरण, निश्चित हिरण पानी पी रहा है। हाँ, पानी पीने की ध्वनि तो आ रही है, परंतु कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ में आए शिकार को ऐसे छोड़ दूंगा? हाँ, मेरे पास शब्द वेदी वाहन है। ये वाहन शब्द को भेद करके शिकार को आहत कर देगा। निशाना, अब शिकार को बाहर लाना पड़ेगा। मेरी यात्रा सार्थक। हाँ,
ये क्या किया मैंने? हे परमात्मा, मैंने शब्द वेदीवान से ऋषि पुत्र की हत्या कर दी। मुझे क्षमा कर दो ऋषि पुत्र, मुझसे भूल हो गई। मुझे ऐसा लगा कोई हिरण पानी पी रहा है। कष्ट हो रहा है महाराज। तुम मुझे पहचानते हो पुत्र? महाराज, आप ध्यान नरेश दशरथ? हाय, मैं आपका आज्ञा पालक श्रवण अंधे मुनि का पुत्र। क्या अंधे मुनि तुम्हारे पिता है? महाराज, ये कैसा अन्याय किया है मैंने? हे ईश्वर, ये कैसा छल है तुम्हारा? मेरी एक विनती है महाराज। पुत्र, ऋषि पुत्र, मेरी मृत्यु के बाद मेरे मृत शरीर को मेरे पिता के हाथ सौंप दीजिएगा। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं महाराज। मेरे माता पिता मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। पानी। पुत्र, पुत्र, ऋषि पुत्र। तुम आ गए बेटे। श्रवण, तुम्हारे पिता प्यासे हैं, इन्हें जलपान करा दो। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ माते। कौन कौन है आप? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ मुनिवर। महाराज दशरथ, अहो भाग्य हमारा, हम गरीब की कुटिया में महाराज पधारे हैं। आपका स्वागत किस प्रकार करूँ महाराज? मेरा स्वागत करने का कष्ट ना करे मुनिवर। ऐसा मत कहिए राजन, आप तो परम दयामय हैं, आप महर्षि हैं। मुझे समाचार मिला आप इस वन में मृग का शिकार करने आए हैं। हाँ, ये समाचार हमारा पुत्र श्रवण कुमार ने दिया। श्रवण अभी आ जाएगा महाराज। मुझे आप लोग क्षमा कर दीजिए, आपका पुत्र श्रवण अब कभी नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? वो क्या हुआ है? आप अचानक चुप क्यों हो गए महाराज? उसे क्या हुआ है महाराज? आपका पुत्र श्रवण आपके सामने है मुनिवर। मेरे सामने? पुत्र, मेरा पुत्र। बेटा, मेरा पुत्र मर गया। इसकी हत्या किसने की है महाराज? हमारे इकलौते पुत्र की जिसने हत्या की है महाराज, उसे आप दंड दीजिए। दंड दीजिए। श्रवण को मारने वाले को आप दंड दीजिए मुनिवर। हम दंड देंगे। हाँ मुनिवर, इसका कारण मैं हूँ। मैंने आपके पुत्र की अनजाने में हत्या कर। आपने क्या किया महाराज? मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। मैं आपको श्राप देता हूँ, श्राप। आपने मुझे पुत्र शोक दिया है, आपकी मृत्यु भी पुत्र शोक से ही होगी महाराज। किसी प्रकार